नोटिफिकेशन उसकी स्टेज पता चल जाएगी। एक्सरे के बाद आप सीबीसीटी भी ले सकते हो, एमआरआई भी ले सकते हो, पीए व्यू। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट व्यू है, ये लेंगे हर आसान में पीए व्यू लेंगे, ओपीजी लेंगे, नहीं समझ में सब कोई एक्सरे में सीबीसीटी एमआरआई में जाएंगे। कोई आओ कोई पूछना चाहते हैं जिससे आपको पता कुछ है कि पायल अपनी एज 12 बता रही है, वो निकली किस, अरे हाँ है ना, तो कन्फर्म भी तो हो, क्यों, क्योंकि पायल गई थी किसी और डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट ने कब ये 12 साल में होता है इलाज, तो देखते इसकी हो गई वहाँ इधर इधर हो रहा था, वो पीछे चला गया, नहीं समझ में आया, तो पायल के की इलाज तो कर नहीं रहा, पायल दूसरे के पास जाएगी तब यही बताएगी, लग भी आएगा, लग गया है नहीं लगा झूठी है, नहीं समझ में आया। या जैसे बच्चा आया था अभी जिसको मैंने दिखाया उसने बताया था, पर मुझे उसके सामने के दांत देख के क्या लगा कि 8-9 साल का होना चाहिए, अगली अगली स्टेज लग रही थी, फिर बोला 8-9 साल के हो गया, तो फिर अगेन रिमाइंड, ये दोबारा का है पर अगली अगली स्टेज लग रही, गेटिंग ऑन कंप्लीट पॉइंट। तो ये भी आपको ऐसा पता चलेगा, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एड्स, क्या बोलते हैं, पूछना चाहते हो इसमें हम ओपीजी करेंगे, एक्सरे करेंगे, सीबीसीटी करेंगे, एमआरआई करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, इंट्रा ओरल और एक्स्ट्रा ओरल, नहीं समझ में आया, फिर आओ नेक्स्ट, हां इफेक्ट्स ऑफ आरएमई, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन सर, यदि आपने किसी को रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन किया है इन सब से, तो क्या क्या इफेक्ट दिखेंगे, तो इफेक्ट ऑफ आर एम ई रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन की क्या क्या इफेक्ट दिखेंगे, तो पहला इफेक्ट स्केलेटल इफेक्ट, सीक्वेंस देखते हैं, यस मैक्सिलर थोड़ा हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्केलेटल इफेक्ट, क्या बोलेंगे, पूछना चाहते हो सर स्केलेटल मतलब मैजिना, एक क्या है बोन है, स्केलेटल, स्केलेटल में क्या इफेक्ट आएगा, ध्यान से सुनो, ओपनिंग ऑफ मिड पैलेटल सूजर, क्या समझ में आया, क्या जो मिड पैलेटल सूजर है, अब खड़े हो जाओ, ओपनिंग ऑफ मिड पैलेटल सूजर, मिड पैलेटल सूजर क्या हो जाएंगे मैडम, ओपन, जिसके कारण मैक्युला एक्सपांड होगा, और मैक्युला कैसे एक्सपांड होगा, ध्यान से देखना, फैन शेप कैसा होगा, या ट्राई एंगुलर बता रहा हूं, समझ में आया, जो ओपनिंग होगी इसलिए तो आपको इधर देखिए ध्यान से समझिए जरा, है ना, जरा डायग्राम में मत जाना, टाइम नहीं लग पा रही भाई, ठीक है, इसको बनाने का जाते हैं, ओके, ये सेंट्रल साइड है, लेटरल साइड है, क्या नहीं सेंट्रल साइड है, दोनों के जब एक्सरे लोगे तो आपको हार्ट पैलेट में ऐसी ओपनिंग दिखेगी, सबसे ज्यादा ओपनिंग कहाँ पे दिखेगी, सेंट्रल इंसाइजर, कहाँ दिखेगी, और सबसे कम कहाँ दिखेगी बेटा, पोस्टीरियर में, एक्सरे लोगे तो आपको ऐसा आएगा, नहीं सर मतलब बीच का मिड पैलेट सूजर ओपन हो गया, ये पोर्शन रेडियल एफिशिएंसी आएगी एक्सरे में, क्या क्लास समझ में आ रही है, क्या क्या तो हमको नहीं आती, ठीक है, ठीक समझ में आया, ये तो ऑक्लूजन ही था, पैलेटल ही था, जब सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, गेटिंग ऑन, तो पहले इसको समझिए एक बार फिर से, ओपनिंग ऑफ मिड पैलेटल सूजर, ये ओपन हो गया जिसके कारण ये आपको कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर कैसा दिख रहा है, दिखता है क्या, या फैन से, फैन ऐसी होता है सर, हाथ वाला, हाथ वाला फैन, जिस समय सर डिस्कवरी हुई थी उस समय ये सब आए नहीं थे, एसी केसी समझ गए ना, एसी केसी ये कुछ थे ही नहीं, एसी के बस समझ गया ना, तो वो है फैन से, बेटी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट, हाँ नहीं इसको अभी और थोड़ा सा बताता हूँ, यस अच्छा, आप सामने से देखेंगे तो आपको कैंटीलियर टूथ में
अलग से डिस्कस करते हैं, मिड लाइन डैश की मैं देखेगा, ठीक है, अलग से कोई हेडिंग है। पहले क्या बता रहा है बेटा, अमाउंट ऑफ आप इससे कितने स्पेस ला सकते हो, मैक्सिमम 10 mm, कितना पर डे, कितना 0.22 0.5 mm पर डे स्पेस ला सकते हो। ये स्पेस बहुत तेजी से आ रहा है, पर डे आ रहा है, इसलिए इसको रैपिड मैग्नेटिक एक्सपांशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, 10 mm स्पेस आप कितने दिन में ला लोगे, घर में जाके देखना, कितने में ला लोगे, 20 दिन में, कितने दिन में, इसके हिसाब से समझ में आया, 20 दिन में 10 mm स्पेस आ जाएगा, गेटिंग ऑन नाउ, वो लगा दे सर, यस, नहीं ये नहीं, ये तो स्लो है, ये फिक्स्ड, ये रैपिड वाले हैं, ये तो मैंने इनका इंट्रो बताया था, ये तो साइंटिस्ट थे, तो लगे हाथ बता दिए, यस, वाल्टर कोफिन, अभी ये सब डिस्प्ले डिस्कस करेंगे ना, बताऊंगा, और बताइए, इफेक्ट ऑफ एल्विलर बोन में क्या इफेक्ट आ रहा, सुन लो जरा सर, एल्विलर बोन में क्या इफेक्ट आ रहा है, बेंडिंग ऑफ एल्विलर बोन क्या हो जाएगी, कैसे, सुन लेना, आपने बीच में लगाया, ये दोनों टूट है, ये हार्ट का प्लेट है, इसकी मदद से जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो पहले क्या कंप्रेस होंगे, सॉफ्ट टिश्यू से बोन कंप्रेस होगी, फिर पेरिडोंटल लिगामेंट, फिर फोर्स जाएगा टूथ पे, तो जो जिस फोर्स पे, जिस बोन पे फोर्स लग रहा है वो बोन क्या जाएगी, जल्दी से बैंड क्या जाएगी, होगी कि नहीं होगी, पीडीएल स्पेस कम हो जाएंगे, जिससे आप बता सकते हो कि डॉक्टर ने कुछ तो एक्सपांड किया है, समझ गए कि नहीं, एविडेंस मिलेंगे ना, रैपिड मैग्नेटिक एक्सपांशन का, बेंडिंग ऑफ एल्विलर बोन क्या होगा, एल्विलर बोन क्या होगी, बेंडिंग क्या होगी, नेक मैक्यूलरी एंटीरियर टीथ में क्या इफेक्ट दिखेगा, ध्यान से सुनो, मिड लाइन डायस्टिमा क्या दिखेगा, मिड लाइन डायस्टिमा क्या है, समझ में आया, इसलिए इसको बोलेंगे मिड लाइन डायस्टिमा, क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा सर, ऐसा क्यों होगा, फिर से डायग्राम बना लो, ध्यान से सुनना जरा, ये ऐसे होंगे सर, ये डायग्राम आपने फिर से क्यों बनाया, एक ही डायग्राम से थोड़ी समझा देता हूँ, ये दोनों अपार्ट जाएंगे, कैसे जाएंगे, एक दूसरे से दूर, मतलब जो स्पेस बनेगा वो भी ट्राइंगुलर बनेगा, कैसा बनेगा, मैक्सिमम स्पेस इनसाइजली आएगा और मिनिमम नेजल कैविटी जो है, गेटिंग ऑन नाउ, मतलब सामने से जब एक्सरे देखोगे तो बोन ओपन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समझ में आया, स्पेस बनेगा ट्राइंगुलर, गेटिंग ऑन नाउ, ये दोनों सीधे नहीं जाएंगे, टेढ़े जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्लास समझ में आ रही है, मिड लाइन डायस्टिमा, और ये मिड लाइन डायस्टिमा फिर इसका इलाज करना पड़ेगा, फिर पकड़ के खींचोगे क्या, नहीं, ये जो स्पेस है ये 3 to 5 month में ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ऑसिफाई हो जाएगा, जो फाइब्रस टिश्यू है बीच में ट्रैक्शन के कारण को खींच लेंगे, आगे में दो दांत के बीच में टिश्यू रहेंगे ना, उनको रिटर्न मिल जाएंगे, तो मिड लाइन डायस्टिमा का ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ रैपिड मैग्नेटिक एक्सपांशन में पहले मिड लाइन डायस्टिमा आएगा, कोई डाउट, सब पूछना चाहते हैं, नेक्स्ट सर, इफेक्ट ऑन मैक्यूलरी पोस्टीरियर टीथ, सर पोस्टीरियर टीथ में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, जब आप ऐसे धक्का दोगे तो जो दांत है, तो सपोज टूथ अभी ऐसे हैं, कैसे हैं, अरे अंदर है तो अंदर है, ये ऐसे हैं या ऐसे हैं, सपोज अब आप फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हो, तो ये बैंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इस प्रकार के मूवमेंट को टिपिंग या टिल्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिपिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलता हूँ कुछ क्लास समझ में नहीं आ रही, और ये टिपिंग किधर की ओर होगी, पक्का ही क्यों, क्योंकि आप दबा रहे हो पैलेट से बाहर की ओर, बोलो नहीं आ रही तुमको क्लास समझ में नहीं आ रहा,
कुछ पूछना चाहते हो बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैंडिबल में क्या इफेक्ट आएगा? अच्छा सुन लो, और सुन लो, मैं किधर ही बोल और क्या इफेक्ट आएगा सुन लो जरा। यस, एक और चीज आएगी जरा यहाँ पर सर, मैक्यूला में क्या इफेक्ट आएगा? मैक्यूला डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, कैसी होगी? डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। सर अपवर्ड होनी चाहिए, लेकिन कैसा था ऐसा हुआ? हाँ तो नहीं, ऐसा था, छोटा था, ऐसा था, ये था, ये हुआ, ऐसा था। समझ में आया? और जब आप इसको धक्का दोगे तो ये ऐसा खुलेगा, कैसा खुलेगा? आर्च में नहीं, जब आप धक्का दोगे तो ये कैसा खुलेगा? ऐसा खुलेगा। छाता कैसा खुलता है? ऊपर से नीचे की ओर, गेटिंग ऑन ऑफ। तो ये कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, क्योंकि आगे से ज्यादा खुलता है पीछे से कम। पूरे क्लास में आगे समझते हैं। और सुनिए, इफेक्ट ऑन मैंडिबल, मैंडिबल में क्या इफेक्ट आएगा? यही है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन मैंडिबल। तो मैंडिबल में क्या इफेक्ट आएगा? मैंडिबल भी डाउनवर्ड जाएगी, सुन लेना जरा ध्यान से। प्लस बैकवर्ड मूवमेंट। सर ऐसा क्यों होगा? सुन लेना, जब ये दूर जाएंगे क्या करेंगे? दूर जाएंगे तो ये पहले ऑपोजिशन में ऐसा था, सुन लेना, जब ये दूर जाएंगे तो क्या करेंगे? इनको धक्का मारेंगे, क्या करेंगे? धक्का। तो ये जाएंगे ऐसे, कैसे जाएंगे? जो गियर डाउनवर्ड, समझ में आया? और ये प्रॉपर ऑपोजिशन में आएंगे तो फंसेंगे पीछे, तो मैंडिबल कैसा जाएगा? तो क्लास थ्री केस ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसका इंडिकेशन में मैंने पहले ही पढ़ाया, क्लास थ्री मॉडल ऑपोजिशन में देते हैं। क्लास थ्री केस कैसा होता है? मैंडिबल आगे, मैंडिबल पीछे। तो डाउन आ रहा समझ में? जितने से उधर देने लगता था ना तेजी से, गेटिंग। तो ये भी डाउनवर्ड, ये भी बैकवर्ड। इससे एक क्वेश्चन नीट में बन सकता है कि रैपिड मैक्यूलर एक्सपांशन में कौन से मूवमेंट मैक्यूलर मैंडिबल में सेम होते हैं? तो डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड हो रहा है। और दोनों में क्या अपोजिट होते हैं? तो मैक्यूला फॉरवर्ड, मैंडिबल। तो पूछा जाते हैं नेक्स्ट। अब सुन लो, ज्यादा उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है पर हाँ आ जाएगा। इफेक्ट ऑन सराउंडिंग क्रेनियम, क्या है क्रेनियम एंड सराउंडिंग बोन? सुन लीजिए क्या है, आपको पहले ही पढ़ाया गया है क्या कि जो मैक्यूला है वो किससे जुड़ा हुआ है? इथमॉइड, फ्रंटल, स्फिनॉइड, है ना? तो जब ये दूर जाएगा, देखना मेरे गाल को देखना, समझना, जब ये दूर जाएगा तो आग अंदर, मतलब ऐसा लगेगा सब कुछ अंदर घुस रहा है, ये दूर जा रहा है, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? पैराइटल, फ्रंटल, जिसके कारण ये इस पे भी इफेक्ट आएगा। गेटिंग ऑन नॉट, ओवरऑल रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा। क्लास समझ में नहीं आती है हमारे, ये ना पक्का ना, मतलब यदि बी परफेक्शन की बात करेंगे तो आप कहोगे पूरा ओवरी ठीक कर देंगे, वही छोटी में ही बता देता हूँ आगे मुँह ऐसी कर सकते हैं, है ना? नहीं, मुँह के साथ खोपड़ी, उसका जो सर था, मैं आपको ऐसी लैंग्वेज क्यों बताता, सुन लेना, जिससे आपको याद रहे। ज्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा तो फिर तुम समझ ही रहे हो। उसका सर पीछे से बड़ा था, सामने छोटा, जब फोर्स पड़ेगा तो ये दूर जाएगा, ये तो डेवलप हो ही गया है, तो बराबर हो जाएगा सर, जैसे आपका मेरा है, बेटिंग है कि नहीं यार? एनी राउ, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या इफेक्ट आएगा? तो देखिए, जब उसके नाक बाहर थे तो नाक लंबी थी, तो ये नॉस्टिल ऐसे थे, कैसे थे ये? ऐसे, समझ में आया? जब आप फैलाओगे तो ये दूर जाएंगे, कैसे जाएंगे? तब ये नॉस्टिल, नॉस्टिल जानते हो ना, ये ओपनिंग ऐसी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो गए। ये भी ओवल था पर ये सुपीरियर इंफीरियर भी था, यहाँ पे ये मेजर डिस्टल ये है लेटरली, वो लोग ग्लास और ठीक, और जो नाक है फैलेगी, क्या होगी? ब्रॉड, नोज ब्रॉड होगी, तो जो चोंच जैसी निकल रही थी बच्चे की, जो कि स्मार्ट, यस बोलते ना नाक बड़ी उसकी, तो बोलते जैसे कहती वो शादी के समय से लोग बोल के रिजेक्ट करते, कहती फिर सब जरा आएगा। कोई जाओ, ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ?
तब भी याद रहेगा। रेडी और नॉट, अदरवाइज तो याद तो रहने की अपन भूल ही जाएंगे। रेडी और नॉट, ठीक है। इसके साथ साथ नेजल सेप्टम में भी इफेक्ट आएगा। किसमें आएगा? जिसका नेजल सेप्टम टेढ़ा था वो सीधा हो जाएगा। जिसका नेजल सेप्टम कैसा था? कंप्रेस क्या था? ट्रिकी डायग्राम से पॉसिबल नहीं, क्यों सुन ले ना? इलॉन्गेटेड है, क्या है? ज्यादा स्ट्रेच है, क्यों? दांत बाहर थे तो नाक लंबी थी, भी स्ट्रेच था। अब ये फैलेगा तो क्या होगा? नेजल सेप्टम कंप्रेस होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, आ रहा समझ में? ये भी हो जाएगा। एनी डाउट? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अप्लायंस। सर हम इसमें क्या क्या अप्लायंस यूज कर सकते हैं? यस, तो एक स्लो है और एक फिक्स है। स्लो नहीं, सॉरी, रिमूव और एक फिक्स है। रैपिड तो पड़ी है, स्लो बात कर रहा हूं। यस, वो स्लो का वाल्टर कॉफी लिख गया था ना, वाल्टर कॉफी स्लो है। क्या है? स्लो। ये ध्यान रखना, जो स्लो है क्या है? स्लो। जो बाद में डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज मत होना। सर रिमूवेबल में मैंने आपको पहले ही बताया, पेशेंट का अपर आज का इंप्रेशन लेंगे, एक्रेलिक की प्लेट लगाएंगे, एक्रेलिक की प्लेट के बीच में स्क्रू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जैक, स्क्रू, जिसमें कसते जाएंगे और वो खुलते जाएगा। तो पूछना चाह रहे हैं, रिमूवेबल ज्यादा अच्छा नहीं है, फिक्स ज्यादा अच्छा है। तो पूछना चाह रहे हैं, ये जो अपन इफेक्ट पर है, ये फिक्स के है या ये दोनों के इक्वल है? दोनों के इक्वल है, फिक्स रिमूवेबल दोनों के। ठीक है, बट आओ अब सुनिए, टूट टिश्यू बॉन्ड क्या है? टूट टिश्यू बॉन्ड क्या होता है? ध्यान से सुनना जरा। अब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये मैक्यूला है, क्या है? ये प्रीमोलर है, क्या है? प्रीमोलर। ध्यान से सुनना, यहाँ पे सेकंड प्रीमोलर है, क्या है? तो पूछना चाहते हैं, सेम एज इट इज, इधर भी समझ लेना तुम। ये फर्स्ट प्रीमोलर है, ये सेकंड प्रीमोलर है और ये फर्स्ट मोलर है, समझ गए? टाइम लड़ो कम है। इसमें पहले हम क्या करेंगे? बैंड बनाएंगे। क्या बन देंगे? बैंडिंग कर दी इसमें। सपोज फिर इसके वायर निकाल लेंगे ऐसे। आ रहा है क्या? सर ये बैंडिंग का है, ये मेटल का बैंड बांध दी, रेडी बनाओ। ठीक, और यहाँ पर एक्रिलिक की प्लेट से इनको सराउंड कर देंगे। तो पूरी एक्रिलिक की प्लेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ये जो वायर है किसमें धंसे होंगे? एक्रिलिक की प्लेट, जिसके कारण, और बीच में क्या कर देंगे? बीच में स्क्रू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऐसा, ये समझ लो। यहाँ से इसको खोलते जाओगे ये दूर जाते जाएगा, ये पोर्शन इधर, ये पोर्शन इधर, तो ये पूरा फोर्स कितने धक्का देगा इन टूथ में, तो ये एक्सपांशन होगा। बोलो पूरा समझ में? और एक बात पूछना था, ये हम इस साइड तो दांतों में लगाएंगे, मतलब लाइन जो है वायर दांतों पे लगाएंगे, इस साइड से प्लेट पे रहेगा? नहीं नहीं, जब दोनों साइड है, दोनों साइड यही मैं बता रहा, थोड़ा अपने टाइम बचा लिया। ठीक है, कि दोनों तरफ एज इट इज प्रक्रिया करेंगे, पहले बेंडिंग करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ के तार निकालेंगे और ये तार को कितने एक्रेलिक में फंसा देंगे, और एक्रेलिक की प्लेट तो हम बनाए रहते हैं, बीच में स्क्रू खोलते जाएंगे, वो फैलते जाएगा। नहीं आया? ये क्या है? डेरी सेल्वर टाइप। कौन सा है मैडम? डेरी सेल्वर टाइप। कौन सा है? टूट टिश्यू बॉन्ड। क्या है? क्या है? जो सर इसमें टूथ पर भी बैठ रहा है, टिश्यू का भी सपोर्ट नहीं, हार्ट कैलेट का, बोलो ऐसा ना। अब दूसरा है हैश टाइप। क्या है इसका? क्या डिसएडवांटेज था ध्यान से सुनना, एक तो पेशेंट को हर्ट होगा, पूरे हार्ट कैलेट में लगेगा, उसको अजीब सा लग सकता है, डिस्कम्फर्ट लग सकता है, ओवरऑल हाइजीन मेंटेन नहीं होगी। क्यों? ये तो हार्ट कैलेट में लगा रहा है, थोड़ा बहुत उसको फ्रिक्शन हो सकता है, अल्सर वगैरह, हल्का हल्का तब फिर वही तो अनकम्फर्ट होगा ना, डिस्कम्फर्ट। दूसरा सुनिए, ध्यान से सुनना, हैश टाइप क्या है? हैश टाइप में हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। क्या किया? क्या किया ध्यान से सुनना, था सब कुछ सेम, जो हमारा फर्स्ट प्रीमोलर था और सेकंड प्रीमोलर और इमोलर, ये क्या है? फर्स्ट प्रीमोलर, क्या है? और ये फर्स्ट मोलर, ये फर्स्ट प्रीमोलर, ये सेकंड प्रीमोलर, ये फर्स्ट मोलर, समझ में? हमने पहले इधर से एक वायर लगाया, क्या लगाया? इधर से एक वायर लगाया, क्या समझ में आ रहा है? पहले इन पर बेंडिंग करी, क्या करी? जो उसमें करी, इस पर भी बेंडिंग कर दी,